गुड मॉर्निंग सारे थेरापियंस को हम एक न्यूज़ देना चाहते हैं। कल 22 जुलाई 2020 को हमारे तिराप डिस्ट्रिक्ट में 13 पॉजिटिव केसेस आए थे, जिसमें से 4 पॉजिटिव केसेस असम राइफल के रिटर्नीज थे और 9 पॉजिटिव केसेस सीआरपीएफ के रिटर्नीज थे। जो 4 पॉजिटिव केसेस असम राइफल के थे, इन चारों पॉजिटिव पेशेंट्स को असम राइफल की टीम ने मिलिट्री हॉस्पिटल दिनजान भेज दिया है। तो ये 4 जो असम राइफल के पॉजिटिव केसेस थे, इस समय तिराप डिस्ट्रिक्ट में नहीं है। और जो 9 लोग सीआरपीएफ के हैं, इनके लिए सीआरपीएफ ने अपनी एक आइसोलेटेड कोविड सेंटर बना लिया है अपने ही प्रेमाइसिस में, जहां पर वहां के डॉक्टर की मेडिकल सुपरविजन के अंडर ये लोग रहेंगे और टाइम टू टाइम इनका टेस्ट करते रहेंगे एंटीजन टेस्टिंग किट के थ्रू। कल मैं, हमारी डिस्ट्रिक्ट मेडिकल ऑफिसर मैडम और सीनियर मेडिकल ऑफिसर्स गए, हम लोगों ने खुद वो आइसोलेटेड फैसिलिटी देखी है और हम लोग सैटिस्फाइड हैं। वो फैसिलिटी बिल्कुल अप्रोप्रिएट है उन 9 लोगों को अकोमोडेट करने के लिए। तो आप सब लोगों से मेरा यही रिक्वेस्ट है, जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, कि अननेसेसरीली पैनिक ना करें। सीआरपीएफ और हमारा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन कॉन्स्टेंटली उन 9 लोगों को मॉनिटर कर रहा है, उनकी हेल्थ पैरामीटर्स को और उनकी मूवमेंट को। और सीआरपीएफ के कमांडेंट ऑफिसर ने खुद ये हम लोगों को कन्विंस किया है कि वो इंश्योर करेंगे कि ये लोग या इनसे कांटेक्ट में आए हुए कोई भी लोग जनरल कम्युनिटी में नहीं जाएंगे। सबके सब लोगों को अभी भी क्वारंटाइन में ही रखा हुआ है जो उनके कांटेक्ट में आए थे, और उनके टेस्ट ऑल तो अभी नेगेटिव आ गए हैं, बट हम एक और राउंड ऑफ टेस्ट करेंगे 4 दिन बाद। एंड जब उनका टेस्ट 2 या 3 बार नेगेटिव आएगा, तभी हम उन लोगों को बाहर कम्युनिटी में जाने की परमिशन देंगे। तो आप सब लोगों से, जितने भी तिराप और खोंसा के लोग हैं, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप बिल्कुल भी पैनिक ना कीजिए एज फार एज दीज 13 केसेस आर कंसर्न। दूसरा एक बहुत अच्छा अनाउंसमेंट हम आपके साथ शेयर करना चाहते हैं कि अब हमने अपने गेट्स पे एंटीजन टेस्टिंग किट्स प्रोवाइड कर दी है, जिससे गेट में आने वाला कोई भी व्यक्ति, चाहे वो ईटानगर से आए या बाकी अरुणाचल के डिस्ट्रिक्ट से आए या फिर असम के तिनसुकिया, डिब्रूगढ़ या नाहरकटिया एरिया से आए, उन सभी लोगों का हम ऑन द स्पॉट एंटीजन टेस्टिंग किट से सैंपल लेंगे। इस सैंपल को हम 15 या 20 मिनट्स में उसमें पॉजिटिव या नेगेटिव स्टेटस क्लियर हो जाता है। सारी फैसिलिटीज गेट्स पे प्रोवाइड कर, एक ही हमारा गेट है अपुंजली गेट, वहाँ पे प्रोवाइड कर दी गई है। मेडिकल स्टाफ वहाँ बैठेगा और यदि कोई केस पॉजिटिव पाया जाता है, भले वो असम का हो या कोई भी अरुणाचल डिस्ट्रिक्ट से आया हुआ व्यक्ति हो, यदि वो पॉजिटिव पाया जाता है, उसको इमीजिएट फैसिलिटी में भेज दिया जाएगा और किसी भी तरह का कम्युनिटी स्प्रेड हम विद इन तिराप या खोंसा नहीं होने देंगे। और यदि वो नेगेटिव है तो उसको कुछ टाइम के लिए क्वारंटाइन फैसिलिटी में रखेंगे, उसका फिर से 5 दिन बाद एक बार फिर टेस्ट होगा। यदि वो दूसरे टेस्ट में भी नेगेटिव होता है, तभी हम उसको कम्युनिटी के अंदर वापस भेजेंगे। तो जो पैनिक था कि बाहर से लोग आने वाले हैं या ईटानगर कैपिटल रीजन से लोग आने वाले हैं, उन लोगों को भी लेकर अब पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम बहुत कॉशियसली और जुडिशियसली इन सब लोगों का टेस्ट कर रहे हैं। जब हम पूरा कन्विंस हो जाते हैं कि वो नेगेटिव है और कोई उससे कोई भी थ्रेट नहीं है स्प्रेड का, तभी हम उसको कम्युनिटी में आने देते हैं। एंड आप सब लोगों से बहुत इम्पॉर्टेंट, और मेरा ये अपील है विद माई फोल्डेड हैंड्स, कि प्लीज़ आप अपना मूवमेंट जितना हो सके रिस्ट्रिक्ट कीजिए। अभी जो केसेस हमारी नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट्स में बढ़ रहे हैं और जो ईटानगर कैपिटल रीजन में बढ़ रहे हैं, वो हम सब ने देखे हैं। एंड कहीं ना कहीं उसका रीज़न लोगों की अननेसेसरीली मूवमेंट थी। इसलिए आप सबसे रिक्वेस्ट होगा कि अगर ज़रूरत ना हो तो प्लीज़ आप घर से बाहर ना निकलिए, यदि बहुत ज़रूरी हो तभी निकलिए, और निकलने पे मास्क ज़रूर लगा कर जाइए और लोगों से दूरी बनाए रखिए। यदि हम सब ये फॉलो नहीं करेंगे तो जैसे केसेस बाकी सब डिस्ट्रिक्ट्स में बढ़ रहे हैं, फिर आप में भी डिस्ट्रिक्ट्स बढ़ने शुरू हो जाएंगे और फिर हमारे लिए उसको मैनेज करना बहुत मुश्किल होगा। सो अभी तक हमारे पास ये 13 केसेस डिफेंस पर्सनल के पॉजिटिव हैं और एक हमारा एक सिविलियन पॉजिटिव केस है देवमाली में, जिसका एक नेगेटिव टेस्ट आ चुका है। हम दूसरे नेगेटिव टेस्ट का वेट कर रहे हैं, जैसे ही वो नेगेटिव टेस्ट आएगा तो हम उसको भी वापस फ्री कर सकेंगे। सो आप सबसे बस यही मेरा रिक्वेस्ट होगा, अपनी मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट करिए, स्पेशली असम राइफल और सीआरपीएफ के एरिया के आसपास ना जाने से ज़्यादा अच्छा होगा। थैंक यू।